press the bell icon on YouTube app and never miss another update. जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूँ, ना उनसे लड़ता हूँ. मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. एक वर्ड में, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता. और जैसे ही मैं ये करता हूँ, उसके बाद बहुत मज़ा आता है. आप कभी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा. 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा. वो सोच में पड़ जाते हैं. जैसे मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है. तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे. अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है. मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं. तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूँ, उनकी सारी बात को समझता हूँ, फिर अकेले में जा करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता हूँ और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूँ. क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूँ, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूँ. क्योंकि जवाब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है. वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता. वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता. कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है. क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं. लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है. मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है, ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है क्यों, और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मजा आएगा. और जिस दिन आप लोगों को भी मेरी तरह ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर ऐसी बातों का असर होना बंद हो जाएगा. मतलब कि उस दिन ये जो पहली दीवार है जिसकी मैंने बात करी थी, वो अपने आप ही टूट जाएगी. उसके बाद इस पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के. कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद.